पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह काजल की बेटी को कमला चुरा कर ले जाती है और किस तरह उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर एक अच्छा डॉक्टर बनाती है। एक दिन अंबिका की एक सहेली उषा उससे कहती है, अंबिका तुझे पता है कल हमारे सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम गांव में जाकर कैंप लगाने वाले हैं और वहां पर मुफ्त में लोगों का इलाज करेंगे। उस टीम में मेरा और तेरा नाम भी है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, पहली बार ऐसे डॉक्टर बनके कहीं घूमने को मिलेगा। हाँ, खुशी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन मैं अपनी माँ को ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो बहुत बुरी हो गई है और मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। अरे अंबिका, तू एक काम क्यों नहीं करती है, तू अपनी माँ को भी हमारे साथ ले चल। हमारे काम भी हो जाएंगे और उनका मन भी बहल जाएगा। और वैसे भी इतनी बड़ी बस में हम 10 लोग ही तो जा रहे हैं, बहुत सारे सीट ऐसे ही खाली होगी। माँ, कल हमारे हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टरों की टीम गांव जा रही है। गांव में कैंप लगा कर हम लोग और लोगों की मदद करने वाले हैं। और सीनियर डॉक्टर ने मेरा नाम भी इसमें दे दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू जा और सामान पैक कर ले, मैं तेरे रास्ते में खाने की कुछ सामान बना देती हूँ। अरे माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी और मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। मेरी बेटी का पहला मेडिकल कैंप होगा और उसमें अपनी बेटी का साथ मैं भी जा पाऊंगी, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। डॉक्टर साहिबा, मैंने सुना है यहाँ कैंप मुफ्त में सबका इलाज कर रही है और यहाँ से हर कोई दवाइयाँ ले सकता है, क्या ये सही है? हाँ, सही सुना है आपने, यहाँ से हर कोई दवाइयाँ ले सकता है और वो भी एकदम मुफ्त में, इसीलिए तो ये कैंप लगाया है। हमारे गांव में काजल नाम की एक औरत रहती है, वो बहुत दिनों से बहुत बीमार है, मंदिर के आंगन में पड़ी हुई है, उसका अपना कोई नहीं है। बेटी, अगर तुम उसको कुछ दवाई दे पाती तो बड़ी कृपा होती, मुझे उस बेचारी पर बहुत दया आती है। अगर किसी ने उसकी बेटी न चुराई होती तो आज तुम्हारे जैसे ही उसकी एक बेटी होती। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसीलिए ही तो ये कैंप लगा है, ताकि हम गरीबों की और लाचारों की मदद कर पाए। चलिए आप मुझे मंदिर तक ले चलिए, मैं उनका चेकअप करके दवाई दे दूंगी। कमला भी अंबिका के पास में बैठी होती है। अंबिका जब काजल को देखने के लिए मंदिर में जाती है तो कमला उसके साथ साथ ही रहती है। मंदिर में अंबिका देखती है एक औरत मंदिर के आंगन में पड़ी हुई है। अंबिका उसके पास जाती है और उसे छू कर देखती है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। अंबिका जल्दी से उसे दवाई देती है और थोड़ा खाना खिलाती है। कमला काजल को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो अंबिका की सगी माँ है। काजल की ऐसी हालत देखकर कमला को बहुत दुख होता है। काजल के होश में आते ही काजल कमला को पहचान लेती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी? मुझे अच्छे से याद है, तुम ही हो जिसने मेरी मासूम बच्ची को चुरा लिया था। तुमने ही मेरी डिलीवरी करवाई थी और मेरी बेटी को लेकर ट्रेन से उतर गई थी। मुझे मेरी बेटी लौटा दो, तुमसे मैं मिन्नतें करती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? अंबिका को बड़ी हैरानी होती है, सोचती है काजल उसकी माँ कमला से ऐसा क्यों कह रही है। वो और उसकी माँ तो इस गांव में पहली बार आए हैं, फिर ये बीमार औरत ऐसा क्यों बोल रही है? लेकिन कमला काजल की ऐसी हालत देखकर चुप नहीं रह पाती और काजल से कहती है, बहन, तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है। मैं एक विधवा औरत थी, मेरा भी कोई सहारा नहीं था, इसलिए कोई मेरा सहारा बने, एक बच्चा हो, ये मेरा सपना था।
लेकिन पति के बिना ये सब नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने उस रात जब तुम गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने तुम्हारी बच्ची चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ये रही तुम्हारी बेटी, मेरी अंबिका ही तुम्हारी बेटी है। माँ, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम मेरी सगी माँ नहीं हो, ये औरत ये मेरी माँ है। हाँ मेरी बच्ची, ये औरत ही तेरी सगी माँ है। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैं बच्चे की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उस समय तेरी माँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने काजल के साथ बहुत गलत किया था। अब तुम अपनी सगी माँ के साथ रहो और इसे दुनिया भर की खुशियाँ देना। मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी। काजल अपनी बेटी अंबिका को देखकर बहुत खुश होती है। अंबिका भी अपनी सगी माँ को ऐसी हालत में देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाती। इतने सालों बाद अपनी बेटी को अपने सामने देखकर काजल अंबिका से कहती है, अंबिका मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर भगवान को मेरी हालत पर तरस आ ही गया। आज उन्होंने मेरी बेटी मुझे लौटा दी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए, अब तुम बिल्कुल भी मत रोना। मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगी और तुम्हारा अच्छे एक हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। मैं अपनी माँ को दुनिया भर की सारी खुशियाँ दूंगी। अंबिका अपनी माँ काजल को गले लगा लेती है। दोनों गले लगकर खूब रोते हैं, लेकिन अंबिका कमला को भी जाने नहीं देती है। कुछ दिन तीनों गांव में ही साथ रहते हैं, फिर अंबिका अपनी सगी माँ काजल को लेकर शहर चली आती है। अंबिका और काजल दोनों ही कमला को माफ कर देते हैं। अंबिका अब काजल और कमला दोनों की बेटी बनकर खुशी खुशी रहने लगती है।